ये कहानी कृष्ण भक्त मीरा की है, जो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। इसीलिए उसके माता पिता ने उसका नाम मीरा रखा था। मीरा के पिता फलों का ठेला लगाते थे और माँ लोगों के घरों में बर्तन साफ किया करती थी। फिर भी घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। वो सभी एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। जैसे जैसे मीरा बड़ी होती जा रही थी, कृष्ण भक्ति में उसका मन और ज्यादा लगने लगा था। उसने अपनी झोपड़ी के कोने में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को स्थापित किया हुआ था। वो अपने बाल गोपाल का पूरा ख्याल रखा करती थी। एक रात बहुत तेज बारिश होने लगी। मीरा की झोपड़ी में छत से पानी टपकने लगा और झोपड़ी में पानी भरने लगा। मीरा की माँ घबरा गई और मीरा से बोली, मीरा, ओ मीरा, जल्दी उठ बेटा, बारिश का पानी अंदर आ रहा है बेटा। मीरा को आवाज लगाने के बाद लीला अपने पति को उठाती है। तीनों घबरा जाते हैं। मीरा उठते ही सीधे अपने बाल गोपाल की मूर्ति को उठा लेती है और अपने माता पिता के साथ बाहर चारपाई पर बैठ जाती है। वो तीनों बारिश के थमने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं रुकती बल्कि पहले से भी तेज हो जाती है। धीरे धीरे झोपड़ी में घुटने तक पानी भर गया और सारा सामान पानी में बहने लग गया। ये देखकर मीरा के पिता रामू ने अपनी पत्नी लीला से कहा, लीला, पानी बहुत भर गया है, बारिश भी थमती नहीं दिख रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ इतनी रात में? घर का लगभग सारा सामान पानी में बह चुका था, लेकिन मीरा ने अपने बाल गोपाल को कस कर पकड़ रखा था। रामू किसी तरह लीला को लेकर झोपड़ी से बाहर आ गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी मीरा ने अपने पिता से कहा, बाबा, पास में ही कृष्ण मंदिर है, चलिए हम वहीं चलते हैं, वहाँ ये पानी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बिल्कुल सही कहा बिटिया, अब कृष्ण कन्हैया ही हमें बचा सकते हैं, लीला जल्दी चलाओ। तीनों बारिश में भीगते हुए मंदिर पहुँचते हैं। मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर था, इसलिए वो वहाँ पर सुरक्षित थे, लेकिन उनकी झोपड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। ये देखकर तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लीला रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया, अब हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे हम? माँ, तुम परेशान मत हो, तुम देखना मेरे बाल गोपाल सब ठीक कर देंगे। तीनों पूरी रात मंदिर में ही गुजारते हैं। मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति को हाथ जोड़े देखती रहती है। सुबह होते होते बारिश भी रुक जाती है और मंदिर के पुजारी मंदिर में आते हैं। वो रामू और उसके परिवार को वहाँ देखकर पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम लोग रात भर मंदिर में ही थे क्या? हाँ पुजारी जी, वो मेरी बेटी मीरा भगवान कृष्ण को बड़ा मानती है और कल उसने हमें इस मंदिर के बारे में बताया। मैं जानता हूँ उस बच्ची को, हर रोज यहाँ आती है अपने बाल गोपाल को लेकर। छोटी सी उम्र में इस बच्ची की भक्ति देखकर मैं तो दंग रह गया था। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, भगवान की शरण में आए हो तो वो तुम्हारा भला जरूर करेंगे। तुम जब तक चाहो मंदिर में रह सकते हो। बहुत 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 धन्यवाद पुजारी जी। उस दिन से रामू का परिवार कृष्ण मंदिर में ही रहने लगा। रामू और लीला ने वापस किसी तरह अपना काम शुरू किया और मीरा पूरा दिन मंदिर में काम करने में लगी रहती। वो बहुत खुश थी, उसे पूरे दिन भगवान श्री कृष्ण के पास रहने का मौका जो मिल गया था। वो बड़े ध्यान से पुजारी जी को भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करते देखती और ठीक वैसे ही अपने बाल गोपाल को सजा देती है। वो बाल गोपाल की मूरत से दिन भर बातें करती रहती थी। वो एक छोटे बच्चे की तरह उनका ख्याल रखती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। रामू ने फलों की दुकान खोली। वो तीनों लोग मंदिर के पास कमरा किराए पर लेकर रहने लगे, लेकिन मीरा घर से ज्यादा मंदिर में ही अपना वक्त गुजारती थी। एक दिन रामू अपनी दुकान से वापस अपने घर आया और लीला से बोला, लीला, खुशखबरी लाया हूँ। अच्छा, तो जल्दी बताइए ना मुझे। मेरी दुकान के बगल में वो जो पंसारी की दुकान है ना कृष्णलाल जी की, उन्होंने अपने बेटे धर्मेश के लिए अपनी मीरा का हाथ मांगा है। किशन लाल जी की दुकान बहुत बढ़िया चलती है और धर्मेश भी उनके साथ मिलकर वही दुकान चलाता है। अपनी मीरा खुश रहेगी। और जानती हो, किशन लाल जी को कोई दान दहेज भी नहीं चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है जी।
मीरा भी सारी बातें सुन रही थी। उसने अपने माता पिता को टोकते हुए कहा, माँ बाबा मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, मैं बहुत खुश हूँ अपने बाल गोपाल के साथ और आप लोगों के साथ। ऐसा नहीं होता बिटिया, शादी तो सबको करनी पड़ती है। और तू चिंता मत कर, तेरे ससुराल वालों से कह देंगे कि तुझे तेरे बाल गोपाल को हमेशा साथ रखने दे। अब तो ठीक है ना? लेकिन लेकिन कुछ नहीं बिटिया, तू तो हमारी हालत जानती है ना, अच्छा रिश्ता खुद सामने से आया है, इसे जाने नहीं दे सकते हम। मीरा अपने माता पिता की बात मानकर धर्मेश से शादी कर लेती है, लेकिन धर्मेश को लेकर उसे जो बातें बताई गई थी वो उससे बहुत अलग था। उसका मन किसी काम में नहीं लगता था, वो सारा दिन आराम करता और शाम के वक्त दोस्तों के साथ नशा भी करता था। मीरा के ससुर किशनलाल ने धर्मेश के बारे में झूठ बोला था। पहले तो किशनलाल घर का खर्च उठाते थे, लेकिन लंबी बीमारी से लड़ते हुए कुछ ही साल बाद वो चल बसे। धर्मेश की आंखें तब भी नहीं खुली, किशनलाल की दुकान भी बंद हो गई। मीरा की सास का देहांत बहुत पहले ही हो गया था, ऐसे में धर्मेश और अपना पेट भरने के लिए मीरा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। इन सब की वजह से मीरा अपने बाल गोपाल के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाई थी, जिसका उसको बहुत दुख होता था। एक दिन मीरा रात को काम करके वापस घर लौटी तो उसने देखा कि धर्मेश नशे में धुत चीजों को इधर उधर फेंक रहा है। वो मीरा के बाल गोपाल को भी जमीन पर गिराने ही वाला था कि मीरा ने उसे रोक लिया और गुस्से से बोली, ये क्या कर रहे हो, मेरे बाल गोपाल को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? धर्मेश मीरा को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की? जो दारू की बोतल लेकर आया था वो कहाँ है? मुझे दे जल्दी से, नहीं तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा अभी। मीरा उसे शराब की बोतल लेकर देती है और फिर रोती हुई अपने बाल गोपाल से कहती है, मुझे माफ कर दो कान्हा जी, अब से आप हमेशा मेरे साथ ही रहोगे, मैं आपको कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। धर्मेश का बर्ताव और स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। उधर मीरा अब माँ बनने वाली थी, लेकिन फिर भी धर्मेश में कोई बदलाव नहीं आया। कुछ कमाकर घर लाना तो दूर, वो मीरा की कमाई भी उससे छीन लेता था और उन पैसों से नशा करता था। मीरा के माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं थे, मीरा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। हद से ज्यादा नशा करने की वजह से धर्मेश की तबीयत खराब रहने लगी, जल्दी ही वो बिस्तर पर आ गया। नशे की लत ने उसे मौत के करीब लाकर खड़ा कर दिया था। जब धर्मेश को इस बात का एहसास हुआ तो वो एक दिन मीरा से बोला, मीरा हो सके तो मुझे माफ कर देना, समझ गया हूँ कि माने कितने पाप किए हैं और भगवान ने मुझे मेरे किए की सजा भी दे दी है, मैंने तेरी जिंदगी खराब कर दी है, इसके लिए मुझे माफ कर देना। ये धर्मेश के आखिरी शब्द थे, वो जा चुका था। मीरा उस दिन बहुत रोई, फिर अपने बाल गोपाल को देख उसमें थोड़ी हिम्मत जगी। कुछ ही महीनों बाद मीरा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और अब वो अपने बेटे के लिए जीने लगी। उसने अपने बेटे का नाम चंदन रखा। धीरे धीरे चंदन बड़ा होने लगा और जैसे वो चंदन का ख्याल रखती थी और वैसे ही अपने कृष्ण जी का भी ख्याल रखती थी। पर चंदन को ये सब समझ में नहीं आता था। एक बार चंदन ने मीरा से पूछा, माँ ये बाल गोपाल कौन है? वो मेरे सब कुछ है बेटा, उन्हीं की वजह से मैं आज जिंदा हूँ और तेरा ख्याल भी रख पा रही हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। चंदन पढ़ाई में बहुत अच्छा था और अपनी माँ की मेहनत को भी महसूस करता था, इसलिए उसने दिल लगाकर पढ़ाई की और सरकार से स्कूल और कॉलेज में स्कॉलरशिप हासिल की और अच्छे अंकों से कॉलेज पास किया। कॉलेज पास करते ही उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी मिलते ही चंदन मीरा के पास गया और बोला, मेरी नौकरी लग गई है माँ, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, अब घर का सारा खर्च मैं चलाऊंगा, अब बस तुम घर पर रहकर आराम करना। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, ये सब मेरे बाल गोपाल की कृपा है, तेरी मेहनत भी, मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। चंदन अपनी माँ के आंसू पोंछता है और उसे गले लगा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गलती से चंदन के हाथ से भगवान कृष्ण की मूर्ति नीचे गिर जाती है। ये देखकर मीरा बहुत नाराज हो जाती है और गुस्से से कहती है, ये क्या किया तुमने, मेरे बाल गोपाल को गिरा दिया, ला मुझे दे उन्हें। माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया।
तभी मीरा देखती है कि गिरने की वजह से बाल गोपाल की मूर्ति कई जगह से टूट गई थी। अब वो घबरा जाती है और कहती है, चंदन अभी जाकर डॉक्टर को बुला कर ले आ। चंदन अपनी माँ की आदत जानता था, इसी वजह से वो डॉक्टर को बुला लाया। चंदन पहले से ही डॉक्टर को सब कुछ समझा कर लाया था। डॉक्टर साहब, मेरे बाल गोपाल गिर गए थे, बहुत चोट आई है, आप इन्हें जल्दी से ठीक कर देंगे ना? डॉक्टर चंदन की तरफ देखता है और चंदन का इशारा देखकर वो बाल गोपाल की मरहम पट्टी करने का दिखावा करता है। फिर उन्हें मीरा को देते हुए कहते हैं, लीजिए माँ जी, ये ठीक हो गए। अभी कैसे, इतनी ऊपर से गिरे हैं मेरे बाल गोपाल, तुमने क्या ये आला शक्ल देखने के लिए लगा रखा है? इसे लगाकर मेरे बाल गोपाल की जांच कर लो कि सब ठीक है ना। डॉक्टर फिर चंदन की शक्ल देखता है, उसके इशारा करने पर फिर आला लगाकर जांच करने का दिखावा करता है। उसके बाद जो हुआ उसने डॉक्टर के होश ही उड़ा दिए। उसे बाल गोपाल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने एक बार नहीं कई बार जांच की, पर हर बार उन्हें दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दी। डॉक्टर के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसे ऐसा देख चंदन ने डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, तबीयत तो ठीक है? डॉक्टर आला देकर चंदन को भगवान बाल गोपाल की धड़कनों की आवाज सुनाता है। वो दोनों ही दंग रह जाते हैं। फिर मीरा उनसे आला छीन लेती है और कहती है, लाओ ये मुझे दो, पता नहीं क्या खेल कर रहे हो इतनी देर से। मीरा भी बाल गोपाल की धड़कन सुनती है, लेकिन चौंकती नहीं बल्कि उसे अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कई सालों से इन धड़कनों को सुनती आ रही है। उसके चेहरे पर संतोष था। वो बाल गोपाल को अपने माथे पर लगाती है और कहती है, ठीक है मेरे बाल गोपाल, बिल्कुल। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।